और बड़ी खबर आपको बता देते हैं मुंबई से आ रही, जहां पर ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है और एनसीबी अधिकारियों ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर बांद्रा में छापामारी की और यह छापामारी बांद्रा के अलावा अंधेरी और खार में भी चल रही है। तो अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी की छापामारी, तलाशी वहां पर हो रही है। आपको ये बता दें कि अर्जुन रामपाल की जो पत्नी है उनके भाई, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे थे, ड्रग्स कनेक्शन में उनका भी नाम आया था और इसी के तहत अब एनसीबी ने कार्रवाई शुरू की, उनके घर छापामारी हो रही है। इससे पहले फिरोजना डेडवाला की पत्नी को विरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की करीबी है, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। एनसीबी आज मुंबई में एक बड़ी कार्यवाही कर रही है और इसी के तहत एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर रेड की जा रही है, उनके घर पर सर्च की जा रही है। आपको बता दें एनसीबी के अफसरों को पुख्ता जानकारी मिली थी जब उन्होंने एजिसियालोस दिमित्रियादिस जो कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियला के भाई हैं, उन्हें पिछले महीने एक केस में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद एक दूसरे केस में उन्हें पिछले हफ्ते अरेस्ट किया गया। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस के जो फॉर्मर प्रोड्यूसर थे उन्हें भी उसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। दोनों से ही पूछताछ में कुछ जानकारी सामने आई जिसके बाद आज सुबह से बांद्रा, खार और अंधेरी इन तीन जगहों पर रेड की जा रही है, जिसमें से एक अर्जुन रामपाल का घर है। ये कहा जा रहा है अभी भी ये रेड चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर पर ड्रग्स होने की इन्फॉर्मेशन एनसीबी को मिली थी जिसके तहत ये रेड की जा रही है। इसके अलावा फिरोज नाडियाडवाला जो कि बॉलीवुड के नामचीन प्रोड्यूसर हैं, उन्हें समन दिया गया था, वो कुछ देर पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फिरोज नाडियाडवाला के घर भी एनसीबी ने कल रेड किया था जिसके बाद उनकी पत्नी शबाना सईद को पूछताछ के लिए बुलाया गया और चार घंटे की पूछताछ के बाद शबाना सईद को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा चार से पांच अन्य लोग भी हैं जिन्हें डिटेन कर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अर्जुन रामपाल के एक एम्प्लॉई, उनके एक ड्राइवर को यहां पर लाया गया है और फिलहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है एनसीबी द्वारा। कैमरा पर्सन किरण काल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस बीच आपको ये बता दें कि फिरोजना डेडवाला की पत्नी को कोर्ट में आज पेश किया गया जहां पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे।